प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभात वंदन। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 14 आयत। लुदिया नामक बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित लगाए। अपोस्तोल पौलुस के दूसरे मिशनरी यात्रा में वे शीलास के साथ मिलकर फिलिपिया नगर में पहुंचे। प्रार्थना करने के लिए जगह ढूंढने गए ये दोनों ने कथा सुनाई, ऐसा 16 अध्याय के 13, 14, 15 आयत में रेखित किया गया है। यहां पे हम चार बातों को देखते हैं। एक, खोले गए होठ। दो, खोले गए कान। तीन, खोला गया हृदय। और चार, खोला गया घर। पहले से ही तैयार की गई वेदी में भौतिकता के बारे में ही भाषण देने वालों में से नहीं थे पौलुस। उनके सुविशेषीकरण के दर्शन और आत्मभार को मुंह खोलकर क्रूशित हुए प्रभु यीशु मसीह के बारे में नदी किनारे उन्होंने बोला। लुदिया नामक स्त्री यह वचन सुन रही थी। अलग सी आवाज या स्वर को सुनना और स्वीकार ना करके कान बंद कर देने वाले हमारे बीच में हैं। वचन सुनने के लिए जब कान खुले तो प्रभु ने लुदिया का हृदय खोला। इस विशालकाय संसार में बंद हृदय के साथ रहने वाले ऊंची खड़ी दीवारों के बंदी गृह में बंद हैं। लुदिया का हृदय जब परमेश्वर ने खोला तो लुदिया ने अपना घर परमेश्वर के लिए खोला। ऐसे में जो प्रार्थना के लिए घर मिला वो घर बाद में प्रार्थनालय बन गया। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के लिए तेरा स्तुति और धन्यवाद करते हैं। खोले गए होठ परमेश्वर की गवाही देने के लिए और खोले गए कान परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हम अपने आप को आज की सुबह आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान।